इन दिस टुडे हेल्थ कॉन्शियस वर्ल्ड, जहाँ पे हर किसी को किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज करने का शौक या उनके डेली रिजिम डेली रूटीन में होता है, अगर ऐसी हेल्थ कॉन्शियस वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर पहला सवाल ये पूछती है ओपीडी में आके कि अब हम प्रेग्नेंट है, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, क्या एक्सरसाइज करना सेफ है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दरमियान हम एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं, और एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना सेफ है, हमारे बेबी के लिए कितना सेफ है, बिकॉज प्रेगनेंसी जितना वंडरफुल स्टेज है उतना ही किसी भी एक लेडी के लिए वल्नरेबल स्टेज भी हो जाता है। कहीं ना कहीं लेडी ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि हम ऐसी कोई चीज ना कर बैठे जिससे हमारे बेबी को कोई नुकसान हो। वेल, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट WHO ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज 30 मिनट्स पर डे, यू कैन से 5 डेज अ वीक एक्सरसाइज रिजिम किसी भी प्रेग्नेंट महिला के रूटीन में होना चाहिए। अब कुछ ऐसी हाई रिस्क कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल आपको पहले 3 महीने है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, और आपको अबॉर्शन का रिस्क है, यानी आपको बार बार खून गिर रहा है प्रेग्नेंट होने के बावजूद। दूसरा, आप मल्टीपल जेस्टेशन, यानी आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, या आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में है और आपको कहा गया है आपके गर्भाशय की मुख की लंबाई छोटी है, आपका सर्वाइकल शॉर्टनिंग है, या आपको सर्विक्स पे स्टिच लिया है। फोर्थ, जिसमें आपकी गर्भाशय की मैली मुख पे प्लासेंटा आके रुकी हो, जिसे प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है, ऐसी अगर कोई हाई रिस्क कंडीशन है तो आपको एक्सरसाइज में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके लिए बेहतर रहेगा रूटीन जस्ट डेली जो आप शेड्यूल कर रहे हैं उसको फॉलो करें। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, तो द बेस्ट एक्सरसाइज विच यू कैन डू, जिन एक्सरसाइज के लिए हमारा थम्स अप है कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, नंबर 1, ब्रिस्क वॉकिंग, सपाट सरफेस पे थोड़ा सा स्पीड में चलना, अच्छे क्वालिटी के शूज, स्पोर्ट्स शूज पहन के, या फिर अच्छी क्वालिटी के ऑर्थोफिट, जो भी ऑर्थोपेडिकली गाइडेड जो भी स्लीपर्स होते हैं वो पहन के ब्रिस्क वॉकिंग। सेकेंड इज स्विमिंग, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आप भी एंजॉय करेंगे और आपके वूम में रहा बेबी भी स्विमिंग को उतना ही एंजॉय करता है। इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज, एंड ब्रिस्क वॉकिंग एंड स्विमिंग आर फुल बॉडी एक्सरसाइजेस, ये आप कर सकते हैं। ऑफकोर्स वेट लिफ्टिंग की जब बात आती है, तब वन थिंग टू बी कॉशियस कि आप साइड से वेट लिफ्टिंग, यानी आप आर्म्स एंड फोरआर्म्स की अगर कोई कसरत कर रहे हैं साइड वेट लिफ्टिंग, इट इज अलाउड। फोर्थ थिंग दैट इज अलाउड इज मॉडिफाइड योगा, ऐसी योगा जिसके अंदर आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो, साथ में बॉडी का स्ट्रेचिंग हो, फ्रंट बॉडी स्ट्रेचिंग दैट इज अपर स्ट्रेचिंग, अपर बॉडी को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइजेस, या फिर साइड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर थम्स अप। फिफ्थ नंबर पे मॉडिफाइड पिलाटेस, जिसके अंदर आपका एब्डोमिनल क्रंचेस ना हो, आपके एब्डोमिन को कंप्रेस ना किया जाए, ऐसी सारी एक्सरसाइजेस सेफ है। किन चीज के लिए हमारा बिग नो है, नो यू शुड नॉट डू इट, द बिग नो इज आपको फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक एक्सेसिव बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस स्पेशली आफ्टर योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब बेबी का वेट होता है, झुक के कोई वेट लिफ्ट करना है, डू नॉट डू इट, इवन नॉट इन सूर्य नमस्कार। मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार दिखेंगे जिसके अंदर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होता है, एंड यू कैन सेफली डू इन योर प्रेगनेंसी। दूसरा बिग नो है एक्सेसिव बैक बेंडिंग, ऐसी कोई चीज अटेम्प्ट नहीं करनी है, ऐसा कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है जिसके अंदर हमारा बॉडी का बैलेंस ना हो और हम गिर जाए। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करी, मेक श्योर आप ऐसी सरफेस पे कर रहे हैं जहाँ पे एंटी स्किट योगा मैट्स है, जहां से आपको फिसलने का या गिरने का कोई रिस्क नहीं है। बेस्ट इज वॉकिंग, अगर आपको किसी दिन ना समझ में आए या ना पता चले या ना मन हो, तो एटलीस्ट हैव अ हैबिट ऑफ 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इन प्रेगनेंसी, इट हील्स एवरीथिंग। एक्सरसाइज ना ही आपके बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रीजन कि जिससे प्रेगनेंसी के दरमियान आपको अच्छी से नींद आए। सो अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छा बॉडी सर्कुलेशन के लिए, अच्छे बेबी ग्रोथ के लिए, अच्छी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के लिए और अच्छी सी आरामदायक नींद के लिए 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक इज अ वेरी बिग थम्स अप। एंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड एंजॉय योर मदरहुड।